हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई हुई जिसमें पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसकी क्या नोटिफिकेशन है, क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, पेमेंट और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी नए सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को हम पैक 2017 की वैकेंसी भी कहते हैं। जो इसकी वैकेंसी है वो स्टार्ट हो रही है 4 जुलाई 2017 से। और चलिए हम इम्पोर्टेंट डेट की बात डिस्कस कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट है इसकी वो है, देखिए एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई 2017 से। इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए ऑनलाइन वो है 3 अगस्त 2017। यानी कि आपको लगभग 1 महीने का, 1 मंथ का समय मिल रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और इसका अगर बात करें इसकी लास्ट डेट जो है पेमेंट फी करने की वो 4 अगस्त है। और जो एडमिट कार्ड, इस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड वो इशू होगा उसकी डेट भी इसमें दे रखी है, वो है 14 अगस्त 2017 को ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसके 5 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये जो एग्ज़ाम डेट है वो टेंटिव है, मे बी ये बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो साइट में दिया हुआ है वो है 19 अगस्त 2017। जो डिक्लेरेशन डेट है रिजल्ट की वो है 28 अगस्त। तो मतलब आप समझ सकते हैं आपका अगस्त महीने में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसे भरिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई हैं पोस्ट के बारे में, तो जो नंबर ऑफ पोस्ट और जो पोस्ट आई हुई हैं वो है, पहला जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंट ऑफिसर की है। जो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, 5 है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीकॉम विद सेकंड डिवीजन बोले तो आपको, इफ़ यू आर गेटिंग 55% इन योर ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन विल बी द योर बीकॉम, आपका बीकॉम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका मिनिमम 6 महीने का डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी एंड टेली कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने का, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके जो ग्रेड पे है वो 4400 है। 4400 बोलो तो आपको 44,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिलेगी। जो सेकंड नंबर पे पोस्ट है वो टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की है। टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BSc इन एग्रीकल्चर इन फर्स्ट डिवीजन बोले तो आपको 60% लाना है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ इसकी जो सैलरी है वो भी एग्जीक्यूटिव अकाउंट से मेल खा रही है, यानी कि 44,000 पर मंथ है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की। जो नेक्स्ट जॉब है वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो 22 है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूशन से, साथ ही साथ आपको ये मैंडेटरी है, आपको पहला तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पड़ेगा, सेकंड जो थिंग है वो आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट या डुएकर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो चौथी पोस्ट है वो क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। और इसके लिए सेम क्राइटेरिया है। और इस दोनों का सैलरी अगर आप देखेंगे तो सेम ही है। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए भी भरना है फॉर्म और क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी भरना है तो आप फिलअप कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, आप एक साथ दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको अलग से एक फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, इसके जूनियर स्टेनोग्राफर के अलग से, क्लर्क कम ऑपरेटर के अलग से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 16 है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BSc एग्रीकल्चर चाहिए, BSc एग्रीकल्चर। और ये जो अब सब इंस्पेक्टर जो आप सोच रहे होंगे, इसमें एग्रो इंडस्ट्रीज में जो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर होते हैं उनको यहाँ पे SI इंस्पेक्टर कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट बात है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 18 है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12+ विथ 2 ईयर सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। और जो नेक्स्ट है वो जूनियर स्टोर कीपर की है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 10+2
2 ईयर सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम अब बात करें सिलेबस की, क्या सिलेबस है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले मैं आपको एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 एंड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है 375। और जो कैंडिडेट अदर देन पंजाब कैंडिडेट हैं उनकी, वो एज ए जनरल काम करेंगे तो उनके लिए जो फ़ी है वो 750 की है। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव, जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव टेक्निकल और अकाउंट डिपार्टमेंट, उसके लिए जो सिलेबस है, उसके लिए जो सिलेबस है उनके दो पार्ट में सिलेबस है। पहला जो है वो नॉन टेक्निकल आएगा और जो दूसरा सेकेंड है उनका टेक्निकल आएगा। नॉन टेक्निकल में उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टोटल 60 क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, और टेक्निकल से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के तो जो टोटल होगा आपका, वो आपका 100 क्वेश्चन होंगे, जिनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर होगा। 1 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन होगा और दो सेक्शन में आएंगे, नॉन टेक्निकल टेक्निकल। अब अगर हम बात करें अकाउंट डिपार्टमेंट की, तो इनका यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर ना होकर यहाँ पे अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट से। अब हम बात करते हैं क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल असिस्टेंट। जो टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट की भी जो, और स्टोर की टेक्निकल असिस्टेंट, इन तीनों की बात करें तो जो इनका सिलेबस है सेम है। इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, जो ड्यूरेशन होगा 1 आवर होगा। इनके जो पहला सेक्शन रहेगा वो जनरल नॉलेज से करंट अफेयर बेसिस, जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज द पंजाबी, दे शुड नो पंजाबी, बेसिक पंजाबी अप टू 10th लेवल। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये साइट को आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप इस साइट को क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार शो करेगा। आप क्लिक करते ही आपको, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का वो फॉर्मेट दिखेगा। फॉर्मेट दिखते ही आप यहाँ पे देखिए होम लिखा हुआ है। आपको अगर डिटेल नोटिफिकेशन, होम में आप जाके इसके बारे में जान सकते हैं कि पीएसी है क्या, और डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, और यहाँ ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, आप जैसे न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर न्यू रिक्रूटमेंट। इसको क्लिक करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पूछ जाएगी। उसको फिलअप करने के बाद आपको मेल कन्फर्मेशन वगैरह करना होगा। मेल कन्फर्मेशन करते ही आप कुछ, फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप बनाएंगे, ये डालते ही आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।